है। इस ट्रैक्टर की खास बात, जो सबसे खास बात है, वो इसका कूलिंग सिस्टम। और इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है, इसकी जो सो जो है वो पीछे से खुलती है। इस ट्रैक्टर में हमें जो एयर क्लीनर मिल जाता है वो इसके अंदर ही लगा होता है, और काफ़ी फ्लैट, बहुत ही हद तक फ्लैट प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर में दिया गया है, जो कि 32.9 PTO HP ये ट्रैक्टर प्रदान करता है। आपको स्ट्रेट एक्सल या फिर डबल रिडक्शन सिस्टम मिल जाता है। बहुत ही अच्छे ट्रैक्टरों की गिनती माना जाता है। और जय जवान जय किसान, मैं हूं शैलेंद्र कौरव, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरुजी। आज का समय एडवांस होता जा रहा है और नई नई चीज़ें किसान भाइयों को पसंद आती जा रही हैं, और टेक्नोलॉजी के बारे में भी किसान भाई अब अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रैक्टर है, ये महिंद्रा का SP सीरीज़ का ट्रैक्टर है। महिंद्रा की SP सीरीज़ के बारे में बता दें तो सरपंच प्लस ये मॉडल है, शॉर्ट फॉर्म में इसे SP बोला जाता है। और ये जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर की खास बात, जो सबसे खास बात है, वो इसका कूलिंग सिस्टम है। इस ट्रैक्टर को इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये महिंद्रा का 275 DI SP+ मॉडल है, और पुराने जो XP+ मॉडल थे उनसे अलग क्या है इसका कूलिंग सिस्टम। इसमें बहुत ही खास तरीके का कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। पहले के जो अभी जो पुराने ट्रैक्टर हैं उनमें क्या होता है, जो कूलिंग सिस्टम होता है, जो पानी होता है या जो कूलेंट होता है, वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर फिर तीसरे सिलेंडर में ऐसे करके जाता है, जिससे क्या होता है, पहले सिलेंडर का गर्म, दूसरे सिलेंडर में और गर्म, और तीसरे सिलेंडर में और ज़्यादा गर्म। इस ट्रैक्टर में हमें 4D सराउंड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि हर सिलेंडर के लिए अलग अलग कूलेंट भेजता है। इसीलिए ये ट्रैक्टर जो बाकी महिंद्रा के ट्रैक्टर हैं, भूमिपुत्र सीरीज़ है, उनसे कम गर्म होता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मैं आपको दिखाऊं, महिंद्रा का ये 275 DI SP+ मॉडल है, और इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है, इसकी जो सो जो है वो पीछे से खुलती है। आप देख रहे होंगे पीछे से सो खुलती है आगे की तरफ, और व्यवस्थित ये ट्रैक्टर है। और आगे बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की, तो इस ट्रैक्टर में हमें बाकी महिंद्रा के ट्रैक्टरों के जैसा ही 3 सिलेंडर का बॉस का इनलाइन फ्यूल पंप मिलता है, जो कि इंजन भी बिल्कुल एज इट इज सेम है। 37 HP का इसमें इंजन है, और वही जो इंजन मिलता है हमें 2235 CC का 2180 रेटेड इंजन RPM वाला इंजन है, वही का वही इंजन मिल जाता है। लेकिन खास बात इसकी कूलिंग सिस्टम है। आगे बात करें फ्रंट बम्पर की, बम्पर भी इसमें काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और वेट भी काफ़ी अच्छा है। और एक्सल की अगर बात करें तो स्टेट टाइप का एक्सल है मिल जाता है। ड्यूल पावर स्टेयरिंग इस ट्रैक्टर में मिलता है, जो कि महिंद्रा के सभी ट्रैक्टरों में ड्यूल पावर एक्टिंग आता है, बहुत ही अच्छी बात है, महिंद्रा मेंटेन किए हुए है। अन्य कंपनियां हैं जो सिंगल एक्टिंग देती हैं, लेकिन उसमें आगे चल के समस्याएं आती हैं और ट्रैक्टर दायमाएं खिंचता है। इसमें कोई भी समस्या नहीं आती, बहुत ही स्टेबल चलता है ट्रैक्टर, यही सबसे बड़ी खास बात है। टायर साइज़ की बात करें तो 6/16 के इसमें आगे के टायर और 13/6/28 के इसमें पीछे के टायर मिल जाते हैं। 6 साल की वारंटी इस ट्रैक्टर में ही मिलती है, भूमिपुत्र ट्रैक्टर के जैसे ही। बड़ा एयर क्लीनर है, और सो को लगा के मैं दिखाऊँ आपको, कुछ इस टाइप से ये पूरा ट्रैक्टर दिखाई देता है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। और इस ट्रैक्टर के इंजन की अगर बात करें तो ये 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। सो काफ़ी अच्छा है इस ट्रैक्टर का, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर लाइट है, महिंद्रा की बैजिंग सामने से देखिए आप, काफ़ी अच्छा लुक है। भूमिपुत्र की अपेक्षा अगर बात करें, साइलेंसर की बात करें तो वो भी ग्रिल से पूरा कंप्लीट पैक होता है, जिससे कि जलने की समस्या ना हो। और एक और बात जो आपने नोटिस की हो या ना की हो, इस ट्रैक्टर में हमें जो एयर क्लीनर मिल जाता है वो इसके अंदर ही लगा होता है, वो कि ड्राई टाइप का होता है। बाकी सभी ट्रैक्टरों में आपको ऑयल वाट टाइप का मिलता है, जो कि ऊपर लगा होता है। इसकी सो खोलने के लिए कोई भी अलग से आपको इम्प्लीमेंट नहीं निकालना पड़ता है, और डायरेक्ट आप सो खोल सकते हैं। डीजल फिल्टर इस ट्रैक्टर के यहाँ से खींचने पे और यहाँ से उठाने पे इसका सो खुलता है। आगे बात करें इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की, तो चढ़ने के लिए एक पायदान मिलता है, और काफ़ी फ्लैट, बहुत ही हद तक फ्लैट प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर में दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे करके जो अच्छे मॉडल आते जा रहे हैं महिंद्रा के, उनमें काफ़ी सुधार करती जा रही है। गेयरबॉक्स की अब आगे बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। और स्पीड की अगर बात करें, पार्शियल कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स भी इस ट्रैक्टर में है। मैं चाहता हूं, कंपनी से अनुरोध है कि धीरे से कांस्टेंट मैस गियरबॉक्स मिले, जो कि फुली कांस्टेंट मैस हो, पार्शियल ना हो।
और गियर स्पीड की अगर बात करें तो आगे ये ट्रैक्टर 2.8 से लेके 28.5 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकता है, और पीछे की अगर बात करें तो ये ट्रैक्टर 3.9 किलोमीटर प्रति घंटे से 11.4 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये पीछे की स्पीड पकड़ सकता है। ये साइड में छोटा लो हाई का गियर, ये पीटीओ, और क्लच की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें सिंगल और ड्यूअल दोनों टाइप के क्लच मिल जाते हैं। ऑप्शनल रहता है किसान भाई के लिए जो भी लेना हो। और पुश टाइप के इसमें हमें क्लच पैडल और ब्रेक पैडल मिल जाते हैं। अब दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरी साइड से। बैटरी इसमें भी साइड में ही लगी हुई है, सामने रख सकते थे लेकिन महिंद्रा अपनी बैटरी बाजू में ही बॉक्स में व्यवस्थित करके देता है। ये ब्रेक पैडल, पुश टाइप वाले, एक्सीलरेटर, और इसमें भी बहुत ही सुंदर तरीके से मोबाइल रखने का इसमें होल्डर दिया हुआ है, और ये चार्जर, और बंद करने के लिए लिफ्टिंग की पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया है। फुली ऑयल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं इस सेक्टर में भी हमें, और काफ़ी अच्छे बम्पर और काफ़ी अच्छा शो है इस ट्रैक्टर का। लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है ये ट्रैक्टर। पीछे पीटीओ की बात करते हैं। लिफ्ट की अगर इस ट्रैक्टर की बात करें तो ADDC टाइप की इसमें हमें लिफ्ट मिलती है, जो कि 1480 लगभग 1500 किलोग्राम की क्षमता वाली इसमें हमें लिफ्ट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैटेगरी के हिसाब से बात करें 39 HP कैटेगरी के हिसाब से, 37 HP का ये ट्रैक्टर है, 39 HP कैटेगरी में ये ट्रैक्टर आता है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी लिफ्ट है। और PTO HP की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप 32.9 PTO HP ये ट्रैक्टर प्रदान करता है हमें। और SFC की बात करें तो 256 इस ट्रैक्टर की SFC है। महिंद्रा के जितने भी ट्रैक्टर हैं मैंने ये नोटिस किया है कि जिनमें 2235 CC का इंजन आता है, ये जो इंजन है 265 DI, 265 DI XP+, SP+ सब में यही इंजन आता है 2235 CC का, उसकी SFC ही 256 है। हर ट्रैक्टर में 256 SFC ही मिलेगी। 5/2022 का ये मॉडल है। 6 स्प्लाइंसेस वाली PTO मिल जाती है इसमें, जो कि 1800 RPM पर अपने पूरे PTO जनरेट करती है। 540 जो राउंड होते हैं वो अपने 1800 रेटेड RPM पर जनरेट करते हैं। काफ़ी हैवी इसमें 3-point लिंकेज सिस्टम दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर में भी आप देख सकते हैं एक स्पूल वॉल्व दी हुई है कंपनी की तरफ से, जिससे ट्रैक्टर में आसानी से हम अपनी जो टिपिंग ट्रॉली है उसके लिए उपयोग कर सकें। एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर में भी आपको स्ट्रेट एक्सल या फिर डबल रिडक्शन सिस्टम मिल जाता है। इनबोर्ड रिडक्शन भी कहते हैं कई किसान भाई इसको। अब बात करें किन किसान भाइयों को ये ट्रैक्टर लेना चाहिए। पहली चीज, तो जो भी किसान भाई हैं जो 275 HP के दीवाने हैं, जो पुराना महिंद्रा के पुराने 275 भूमिपुत्र चला रहे हैं, वो भी इस ट्रैक्टर को देख सकते हैं, क्योंकि इंजन एज इट इज़ सेम है इस ट्रैक्टर में। खास क्या है इस ट्रैक्टर का, तो इस ट्रैक्टर का लुक बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, नए ज़माने का ट्रैक्टर है। आप अगर महिंद्रा का 275 भूमिपुत्र ले ही रहे हैं, सेम की सेम वारंटी मिलेगी, थोड़ा रेट का डिफरेंस मिलेगा, 20-30 हज़ार रुपये महंगा ट्रैक्टर ही आएगा, क्योंकि उसमें चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं। बहुत ही अच्छे ट्रैक्टरों की गिनती माना जाता है, और आप एक बार जब भी एजेंसी आएँ या जब भी आप ट्रैक्टर लेने जाएँ महिंद्रा का, तो एक बार इस ट्रैक्टर को देख सकते हैं। और आपके किसी परिचित के पास अगर ये SP+ मॉडल है तो कमेंट करके बताएं कैसा चल रहा है, कैसा एवरेज दे रहा है और कैसा ये ट्रैक्टर है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।